मुक्ति धाम का नाम सुन शायद ही कोई वहां जाना चाहे, लेकिन मुरैना के पोरसा का मुक्ति धाम देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इतना ही नहीं, मुक्ति धाम का नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाली, सैकड़ों औषधीय फूलदार पौधे, खरगोशों, अनेकों पक्षियों की चहचहाहट, मनोरम और आंखों को सुकून देने वाला ये नजारा। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई पार्क है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिले के पोरसा तहसील मुख्यालय पर स्थित ये मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम को आम जन के लिए पार्क जैसा वातावरण में तैयार करने और हजारों पक्षियों को आवास उपलब्ध कराने का ये कार्य नगर के डॉक्टर अनिल गुप्ता ने किया है। मुक्ति धाम सत्यम शिवम सुंदरम की थीम पे बना हुआ है। यहाँ पर पर्यटक का स्थल कहें, औषधि उपवन कहें, पक्षियों को नाना प्रकार की सुविधा है, घोंसले हैं, उनके रहने की व्यवस्था है और पोरसा मुक्ति धाम पे उस उत्सव जैसे दीपदान महोत्सव, होली मिलन महोत्सव, हरियाली महोत्सव और यहाँ पर नर नारी बच्चे प्रातः व्यायाम करते हैं। इंडिया बुक रिकॉर्ड में यही हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज उनको मन को भाके और उन्होंने ये कहा जो आपने दिया है जनता को दिया है और यहाँ अंधविश्वास को दूर किया है, औरतें चिता जल रही हैं, डर नहीं रही हैं, भयभीत नहीं है किसी, बच्चे भयभीत नहीं हैं, ऐसा उनके मन में भाव है। एक अलौकिक है, मनोहारी है, अद्भुत है और ये अकल्पनीय है। पोरसा नगर वासियों और स्थानीय नगरी निकाय के अधिकारियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। इस मुक्ति धाम को सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित कर निर्मित किया गया है। धर्म और आनंदित करने वाले अनेक प्रतीक चिन्ह जमीन पर उकेरे गए हैं। यहाँ दिवाली से एक दिन पहले किया जाने वाला दीपदान भी ऐतिहासिक होता है। ये शमशान हमारा पूरे भारत में नंबर वन है और अभी अवार्ड भी मिला है और यहाँ दाह क्रिया के लिए जो आती है बॉडी वो सैनिटाइजर होके बॉडी के अलावा आम जनता भी जाती है और यहाँ पार्क जैसे बहुत ही अच्छा पार्क सा बना है और बहुत ही अच्छी सुंदरता है। सुबह से लेके शाम तक यहाँ जमावड़ा लगा रहता है घूमने वाले लोगों को और पिकनिक के तौर पे यहाँ लोग वहाँ आते हैं, पिकनिक भी बनाते हैं। ये हमारे डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, उनकी देखरेख में ये मुक्ति धाम बनाया गया है और उन्हीं की देन है। ये पोरसा का नाम भारत में नंबर वन है जो मुक्ति धाम के तौर पे जाना जा रहा है पोरसा का। अभी हाल ही में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पोरसा मुक्ति धाम को दर्ज किया गया है। इस मुक्ति धाम को देखने के लिए प्रदेश और अन्य प्रदेशों से भी लोग यहां पहुंचते हैं। INDTwenty4 के लिए मुरैना से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।